अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को खुश आमदीद कहा था कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पे। और जश्न आज़ादी है, आप तमाम लोग हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, 3-4 दिन से एक सिस्टम के बारे में हमने वीडियो जो है वो अपलोड की थी और बारिशों के बारे में बताया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मानसून एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो रहा है साउदर्न पाकिस्तान की तरफ। इसके शिफ्ट होने के नतीजे में जो है वो मानसून करंट सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दाखिल होंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त भी कुछ बादल जो है वो सिंध के इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, वीक और हाई लेवल्स हैं। बारिश की शिद्दत में कल तेज़ी आएगी और नगर पारकर, ठट्टा, मीरपुर खास, कराची, हैदराबाद, केटी बंदर, इन इलाकों में कल और परसों में दरमियानी से थोड़ी तेज़ बारिश हो सकती है। आइसोलेटेड एरियाज़ में दरमियानी बारिश के ज़्यादा चांसेस हैं और तेज़ बारिश आइसोलेटेड एरियाज़ में हो सकती है। बहुत सारे लोग बारिशों के हवाले से नाउम्मीद हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह पे से कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और इस आने वाले वीक में एक लो प्रेशर एरिया भी जो है वो सिंध आने की तवक्कोआत हम लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल उसकी ऑब्जर्वेशंस तो बाद में दी जाएंगी, फ़िलहाल कल और परसों के मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो कल और परसों के मौसम के हवाले से आप ये देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो है वो मानसून एक्सिस शिफ्टिंग हुई हुई है साउथ की तरफ और साउदर्न पाकिस्तान की तरफ। और मानसून ट्रफ और अरेबियन सी में सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिश हो सकती है साउथ ईस्टर्न सिंध पे, और ये बारिश आगे कंटिन्यू करके कराची और इसके मुज़ाफात में जो है वो टच कर सकती है। इस वक्त कराची के पास से लो हाई लेवल्स गुजर रहे हैं। तो बहरहाल ये अपडेट आप देख रहे हैं कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी पे, और मज़ीद मालूमात हम जो है टाइम टू टाइम अपनी शेयरिंग करते रहेंगे। जैसे ही हमें कोई मज़ीद इसके अंदर आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तो शेयर आपसे ज़रूर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त सिंध के बाज़ इलाकों में कुछ बादल मौजूद हैं, लेकिन वो लो लेवल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। बहरहाल कल इनमें शिद्दत आने का इम्कान है और कल सिंध के साउथ ईस्टर्न इलाकों से यह आगाज़ होगा। और कल और इतवार के दिन कराची जो है वो बारिश देख सकता है और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये फोरकास्ट सही हो जाएगी। बहरहाल हम लोग जो है वो मॉडल्स को देख के फोरकास्ट करते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड कंडीशंस को भी देखा जाता है। तो बहरहाल ग्राउंड कंडीशंस को देखते उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बारिश जो है वो कल और परसों कराची में हो सकती है। बहरहाल कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी के चैनल से जुड़े रहिए और इंशाल्लाह फ्रेश अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। इस दौरान में कराची का टेम्परेचर 32 से 35 के दरमियान में रहेगा और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा क्योंकि बारिश से पहले हफ्स होगा, और बारिश के चांसेस जो हैं वो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक 60% हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिखेंगे हम शेयर आपसे ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और डू ज्वाइन अस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर विजिटिंग कराची वेदर ऑब्जर्वेटरी।